من اسمه دواء وذكره شفاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى. على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صلى عاطفت کو ہمیشہ برقرار رکھیں اور مومنین کو توفیق کرامت فرمائیں کہ ان کے وجود سے استفادہ کر سکیں. قرآن مجید کے سورہ مبارکہ اس سلسلہ ذکر و فکر میں، اور وہ آیت ہے جس میں ارشاد الہی ہے: انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ایمان لانے والے تو بس وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، اور اس کے بعد کسی شک و شبہے میں مبتلا نہ ہو، کسی تردید و تردد میں مبتلا نہ ہو، یعنی یقین کی وہ کیفیت ہو کہ جو کم از کم جسے علم الیقین کہا جاتا ہے، اور عمل میں بھی وہ ثبات قدم نصیب ہو، وہ پائے ثبات حاصل ہو جو اس علم الیقین کی گواہی دے سکے، یعنی اس یقین کے ساتھ عمل کریں
कि वजाहदु बिअमवालिहिम वअनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह। उसके बाद आखिर में इरशाद इलाही हुआ कि उलाइक हुमुस सादिकून, वही वो हैं जो सच्चे हैं। ये मज़मून मैंने गुजारिश किया आपके सामने कि ये मज़मून ज़ाहरी तौर पर जितना आसान मालूम होता है, इस मज़मून के अंदर पोशीदा मानवियतों की तहें वो बहुत ज़्यादा गौर व खौज की मुतकाज़ी हैं। वो तकाज़ा करती हैं कि हम बहुत सोचें समझें और फिर उतना ही अमलन रियाज करें, अपने पूरे वजूद के साथ अल्लाह की तरफ बढ़ना होता है। सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, अपने पूरे वजूद के साथ, अपने जाहिर व बातिन के साथ खुदा की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो खुदा का लुत्फ भी शामिल हाल होगा और फिर वो आपको अपनी तरफ खुद जज्ब करेगा। तो ये मैं उमूमन बुज़ुर्गों से तो क्या अर्ज़ करूँगा, लेकिन जवानों और नौजवानों से अर्ज़ करता हूँ, असल में सैर व सुलूक इलल्लाह के आगाज़ का वक्त तो नौउम्री और नौजवानी है। तमाम उम्र गुजारने के बाद अगर जिसे कहते हैं कि बुढ़ापे में सैर व सुलूक की फिक्र हुई तो क्या फिक्र हुई, और उस वक्त फिर इतना वक्त नहीं होता कि आप वो तमाम तकाजे अमलन पूरे कर सकें, देर हो चुकी होती है। अल्लाह हम सब से शहरगे हयात से ज़्यादा नज़दीक है, ये अपनी जगह हकीकत है, लेकिन हमें मखलूक होने की हैसियत से उसकी बारगाह रज़ा तक पहुँचने के लिए बहुत तवील सफ़र करना पड़ता है। ये जो रिलेटिविटी है, नस्बियत है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता, वो बहुत करीब है, मगर वो करीब है ना, वो खालिक है, वो मुहीत है, वो हमसे करीब है, मगर हम मखलूक हैं और हम दारे गफलत में हैं, तो हमें उस तक उसकी बारगाह रज़ा तक पहुँचने के लिए एक तवील जिद्दोजहद, एक तवील सफ़र करना पड़ता है। ये और बात है कि अगर इखलास के साथ, खुलूस के साथ, सच्ची नीयत और सच्चे जज्बे के साथ अल्लाह की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा इंसान, तो जितना उसका जज्बा सच्चा होगा उतना ही उधर से जाज़िबा कवी होगा। अल्लाह सुबहानहु व तआला की तरफ से एक जाज़िबा है, इश्क़ इलाही का जाज़िबा है। असल तो वो है आशिक, असल तो वो है मुहिब, और उसकी मोहब्बत, उसका इश्क, उसके भी मरातिब हैं हमारे मरातिब वजूदी के लिहाज से। मसलन माँ बाप को अपने बच्चों से मोहब्बत होती है या नहीं, क्यों होती है? इसलिए कि वो उनकी औलाद है। और ये याद रखिए कि ये कुल्लिया है, जितनी मोहब्बत बाप के दिल में बेटे के लिए होती है, बेटे के दिल में उतनी ही मोहब्बत बाप के लिए नहीं होती, उससे कम होती है। फितरी तौर पर, कुदरती तौर पर हक सुबहानहु तआला ने निज़ाम ऐसा बनाया कि माँ बाप के दिल में औलाद के लिए, बेटा हो या बेटी, शफ़क़त और मोहब्बत ज़्यादा होती है, और उसके मुकाबले में बेटी या बेटे के दिल में होती है मोहब्बत, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत के मुकाबले में उतनी नहीं होती।
अब ये बहस अलग है कि ऐसा क्यों है तफावत, लेकिन ऐसा है। तो बहरहाल माँ बाप के दिल में मोहब्बत ज़्यादा होती है, बच्चे गुस्ताखियाँ करते हैं, कभी गफलत में, जहालत में, नादानी में, कभी जानबूझ के बच्चे वालिदैन की शान में गुस्ताखी करते हैं। लेकिन वालिदैन क्या करते हैं? हर गुस्ताखी मुआफ़, बच्चा मुआफ़ी मांगे तो मुआफ़, और मुआफ़ी ना मांगे तो मुआफ़। जितने साहिबान औलाद हैं सबका तजर्बा होगा, ये ज़रूरी नहीं कि बेटे ने गलती की तो भी बेटा बाकायदा आए और ये लफ्ज़ अदा करे, बाबा मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे गलती हुई, भूल हुई, गलत फहमी हुई, नहीं माफ़ हो जाती है बात। खुदा की कसम, जब माँ बाप के दिल में अल्लाह ने इतनी मोहब्बत रखी है औलाद के लिए, तो खुद खालिक होने की हैसियत से मखलूकात के लिए उसके यहाँ कितनी गुंजाइश हो। खालिक है तो उसको अपने मखलूकात में से हर हर फर्द मखलूक की मोहब्बत है। अब ये वो नुक्ता है जिसे अहले शरीयत कम बयान करते हैं, अहले तरीक़त ज़्यादा बयान करते हैं। उमूमन जो डिफरेंस है वो यही है, अहले शरीयत ज़्यादातर खुदा के ग़ज़ब से डराते हैं और अहले तरीक़त उमूमन अल्लाह की मोहब्बत बताते हैं कि अल्लाह को तुमसे मोहब्बत है। और दोनों चीज़ें तरबियत के लिए ज़रूरी हैं, डराना भी ज़रूरी है और मोहब्बत का एहसास दिलाना भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। खुदा का खौफ भी रहे और इंसान खुदा की मोहब्बत का एहसास करे। ये बहुत अच्छा, ये चीज़ बहुत गफलत का शिकार हो जाती है उमूमन मखलूका, जैसे औलाद, औलाद सही जज नहीं कर पाते, बच्चे सही जज नहीं कर पाते, सही मीज़ान में अपने तौल नहीं पाते, समझ ही नहीं सकते कि बाप को माँ को कितनी मोहब्बत होगी, नहीं समझ सकते। लेकिन होती है, इसी सूरत से मखलूकात सोच नहीं सकते कि अल्लाह को उनसे कितनी मोहब्बत है, अल्लाह को मोहब्बत है। अब इसकी मिसाल के तौर पर मैं एक बात कह चुका हूँ दूसरी तकरीरों में, यहाँ आप हजरात के लिए भी अर्ज़ कर देता हूँ। मोहब्बत इलाहिया की एक बड़ी दलील ये है, दलील सबूत कि अल्लाह ने आपको इस दुनिया में भेजने से पहले आपकी ज़रूरत की जितनी चीज़ें थी वो पहले बनाई और आपको बाद में भेजा। ये बिल्कुल ऐसे ही है, हालांकि मुझे कभी कभी ये शेर याद आ जाता है, उर्दू के एक अच्छे शायर थे और निस्बतन बड़े शायर थे। उर्दू के नक़ाद तो उमूमन बड़ाई की सनद देने में बखील होते हैं, मगर मैं यहाँ बुख़ल से काम नहीं लेता, अदबी और शहरी एतबार से बहुत से अच्छे बड़े शायर उर्दू के दामन में हैं। तो एक शायर का ये कि ये दो मिसरे जो हैं वो बहुत फ़िक्रंगेज़ हैं, लतीफ़ भी हैं और फ़िक्रंगेज़ भी हैं, जिसमें कहने वाले ने कहा है कि मुझे बुला के यहाँ आप छुप गया कोई, मुझे बुला के यहाँ आप छुप गया कोई, वो मेहमान हूँ जिसे मेज़बान नहीं मिलता। तो शायराना लताफत तो है इसमें, लेकिन देखिए तो सही कि वो मेज़बान कैसा है कि मेहमान की ज़रूरत की हर शय पहले से मुहैया मौजूद है। अगर कोई कदरदान मोहब्बत करने वाला मेज़बान हो और किसी को मेहमान बुलाए अपने यहाँ, तो क्या करता है वो? खाने की, पीने की, सोने की, उठने की, बैठने की,
हर जरूरत पहले से मुहैया होती है और मेजबान अपनी बिसात भर बेहतरीन इंतजाम करता है, क्योंकि सिर्फ मेहमान का ख्याल नहीं होता, तवज्जो रखिए, दोनों बातों का ख्याल होता है। मेहमान कितना अहम है यह भी लिहाज होता है, और मेजबान होने की हैसियत से हम अपनी हैसियत के मुताबिक मेहमान की मेजबानी करते हैं। अब अपना रिश्ता अल्लाह से समझ लीजिए कैसा होगा। अव्वलन तो ये कि इस पूरी कायनात में सबसे अहम मखलूक अल्लाह की इंसान है, तो इंसान की अजमत अपनी जगह, और फिर वो खालिक है और उसकी अजमतों को कौन समझ सकता है। इसके मानी है कि इस कायनात में अल्लाह सुभानहू व तआला ने आपकी मेजबानी के लिए आपकी अहमियत का भी लिहाज रखा है और अपनी खालिकाना अजमतों का लिहाज भी रखा है। कहीं कोई एक शिकवा आप कर नहीं सकते। परवरदिगार तूने मुझे ये दो पांव तो दिए थे, दो कदम तो दिए थे, लेकिन ये कदम टिकाने के लिए मेरे पांव के नीचे जमीन न थी। कोई शिकवा कर सकता है? कर सकता है? सोच रहे हैं मेरे साथ साथ? नहीं, जमीन थी। परवरदिगार मुझे तूने सर बुलंद बनाया था। ज़रा इस नुक्ते पे तवज्जो रखिएगा। दुनिया के जितने हैवानात हैं, चाहे वो परिंदे हों फ़ज़ा में उड़ने वाले और चाहे ज़मीन पर चलने वाले, सब के सर झुके हुए हैं ज़मीन की तरफ। वो चाहे बकरी हो चाहे शेर, सर तो यूं है ना। एक आप हैं जिसका सर अल्लाह ने सरा। एक इंसान की जात है जिसे अल्लाह ने वाकईन सर बुलंद बनाया है, और जिसे उसने खुद सर बुलंद बनाया हो, जिसे अल्लाह ने खुद फितरी तौर पर, खिलकी तौर पर, खुलकी तौर पर सर बुलंद बनाया हो, उसके लिए मजीद अल्लाह ने क्या इंतजाम किया है? ये किया है कि जमीन तो है पांव के नीचे, यानी इससे ज्यादा पस्त तुम नहीं हो सकते, मगर सर के ऊपर आसमान बहुत ऊंचा बनाया है ताकि जितना बुलंद होना चाहो बुलंद होते चले जाओ। इससे ज्यादा गिरने नहीं देंगे, मगर उठना चाहोगे तो बेइंतहा फजा तुम्हारे लिए वसी है। जितना बुलंद होना चाहो बुलंद होते चले जाओ। एक सलावत पढ़ते हैं मुहम्मद। कल भी मैंने एक जुमला कहा था कि आप इंसानी सतह ज़िंदगी को पहले दर्क कीजिए। इंसानी सतह ज़िंदगी वो है जिसमें आप चलते ज़मीन पर हैं मगर आपके नक्श कदम उभरते आसमान पर हैं। जमाना ने अजीज ये जुमला जहन में महफूज रखिएगा। आप चलते ज़मीन पर हैं मगर आपके नक्श कदम उभरते आसमानों पर हैं। ये बनाया, ये मर्तबा है इंसान का। और उसी तरह ये बात जहन में रखिएगा कि आप इससे ज़्यादा पस्त नहीं हो सकते, लेकिन बुलंद होना चाहें तो फिर बुलंद होने के लिए आसमान की राहें खुली हुई हैं, और इसीलिए उसने आपका हादी और रहबर बना के जिस पैगंबर को भेजा, उस पैगंबर को भी साहिब मेराज बनाया। पैगंबर को भी साहिब मेराज बनाया है, और उस पैगंबर का जानशीन जिसे बनाया
उसको भी ऐसा बनाया जो ऐलान करता था। ये हौसला अफजाई थी, ये तरबियत का अंदाज था, ये नऊज़ु बिल्लाह अमीरुल मोमिनीन फख्र व मुबाहात का इजहार नहीं कर रहे थे, ये इंसानी जहन की तरबियत कर रहे थे। सलूनी अबलान तफ़्तलूनी, पूछो मुझसे पूछ लो कबल इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं और मैं तुम्हारी इस जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमानों के रास्ते परवाज करने की राहें मुझसे पूछो। नबी मिला तो साहिबे मेराज, इमाम मिला तो आसमानों की आसमानों के रास्तों को दिखाने वाला। क्या आप फख्र करेंगे, क्या नाज करेंगे? जितना भी नाज करें फख्र करें कम है, मगर ये याद रखिएगा कि नबी ने और इमाम ने हमें और आपको नाज और फख्र के भी अंदाज सिखाए हैं। अल्लाह की किसी भी नेमत पर नाज करना हो तो गर्दन में खम ना आए, पेशानी सजदे में। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। अल्लाह आपसे कितनी मोहब्बत करता है, आपको परवान चढ़ाने के लिए कैसी फजाओं कैसी कायनात तख्लीक की है आपको परवान चढ़ाने के लिए। और ये जो बाहर आपके वजूद के बाहर जितनी हसीन फजा है, इससे कहीं ज्यादा बड़ी, इससे कहीं ज्यादा वसी, इससे कहीं ज्यादा रफीर, इससे कहीं ज्यादा अमीर और इससे कहीं ज्यादा हसीन वो फजा है, वो आलम है जो आपके अंदर पोशीदा है। ये देख रहे हैं ना, बाहर जमीन है, आसमान है, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, सैयारे हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, समंदर हैं, ये सब देख रहे हैं ना। और इस जमीन में कितने अनासिर हैं, सोना कहाँ मिलता है? आसमान से बरसता है सोना, इसी जमीन में, यही खाक जो आपकी ठोकरों में है इसी में सोना मिला रखा है अल्लाह ने। और आप ये करते हैं कि उस जमीन मिट्टी को जमा करते हैं, उसे एक केमिकल प्रोसेस से गुजार के सोने को अलग करते हैं, और जो चीज़ आपकी ठोकरों में रखी थी अल्लाह ने उसे सजा के संवार के सर पे सजाते हैं। हैं, ताज बना लेते हैं। रखी थी कहाँ अल्लाह ने ये चीज़? तो अपनी अजमत देखिए, अपनी अजमत देखिए और अपनी कारकर्दगी देखिए। अल्लाह ने सोना रखा है कहाँ? ठोकरों में। और आप उसे मेहनत करके साफ करते हैं, सर पे सजा लेते हैं। अगर आप इतनी ही मेहनत इस खाक पे जो मेहनत कर रहे हैं, इस जमीन की मिट्टी पे जो मेहनत कर रहे हैं, इतनी ही मेहनत अपने नफ्स पे कर लीजिए, एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। जवाना ने अजीज, मेरे बच्चों ये याद रखना।
रखे। ये शेर बहुत मशहूर है और मेरा ख़्याल है अभी निसाबों में होगा। उर्दू की इब्तदाई रीडरें जो इब्राहिम ज़ौक, अल्लाह उनकी कब्र पर खूब नूर अफशानी फरमाए। शेख इब्राहिम ज़ौक उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। अगर किसी को वाकई शायरी सीखनी हो और ज़बान और फ़न पर, फ़िक्र की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, ज़बान और फ़न पर गिरफ्त हासिल करना हो तो फिर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक का मुताला बहुत मुफीद होता है। लेकिन आपने एक शेर सुनाया उन्हीं का जो तबीयत नफ्स के लिए बहुत मशहूर शेर है कि निहंगो अजदहाओ शेर नर मारा तो क्या मारा, निहंगो अजदहाओ शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मोजी को मारा नफ्स अम्मारा हो गया। ये एक शेर जो है एक पूरा निसाब है, समझिए, नफ्स अम्मारा को कंट्रोल करना, उसे दबा के रखना है, ये रियाजत में पहली शर्त है। नफ्स अम्मारा आपको हमेशा ज़मीन की तरफ खींचता है, जब इसे आप कुचल देंगे तो परवाज़ की राहें आसान हो जाएंगी। ये ज़मीनी लज्जतें जो हैं इसकी तरफ खींचता है नफ्स अम्मारा। और दूसरा नफ्स है आपके अंदर नफ्स लवामा। ये नफ्स लवामा क्या करता है, ये मलामत करता है, ये मलामत करता है। देखिए ख़ुद हमारे नफ्स में, ये हमारी ज़ात में, हमारी रूह की क़ुव्वतों में दो चीज़ें अल्लाह ने रखी, एक अम्मारा एक लवामा। एक वो जो बुराई की तरफ खींचता है और अर्जन कहा जाता है उसका भी करेक्शन हो जाए। नफ्स अम्मारा बुराइयों की तरफ नहीं खींचता है, नफ्स अम्मारा तो ज़िंदगी की ज़ाहरी लज्जतों की तरफ खींचता है। और नफ्स और वो सब की सब लज्जतें हलाल हैं, उस वक्त तक हलाल हैं जब तक के वो हद से तजावुज़ न कर जाएं। यकीन रखो जवानों, एक जुमला याद रखना, खुदा की कसम ज़िंदगी की कोई लज्जत अल्लाह ने हराम करार नहीं दी है, बस हर लज्जत को हासिल करने के कुछ ख़ास वक्त हैं, ख़ास जगह है, ख़ास शरायत हैं, ख़ास हदूद हैं, खास कुयूद हैं। शराब पीना भी हराम नहीं है बशर्ते के जन्नत में पी जाए। यहाँ ना पीना, यहाँ मना है, मगर जन्नत में तो तरह तरह की शराबें तैयार करके रखी गई हैं। कहीं जंजबीली शराब है, कहीं काबूरी शराब है, कहीं असीली शराब है, कहीं कौसरी शराब है, कहीं तस्नीमी शराब है, ये सब शराबें। जन्नत में जाना, वहाँ की शराबें हलाल हैं, वहाँ के लिए आरजू करो, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए अल्लाह ने मना किया है तो मना है। कोई लज्जत अल्लाह ने हराम करार नहीं दी, ये जुमला याद रखिएगा, कोई लज्जत ज़िंदगी अल्लाह ने हराम नहीं करार दी है, हर लज्जत को हासिल करने के ख़ास आदाब हैं, ख़ास शरायत हैं, ख़ास कंडीशंस हैं, समझ में आई बात, और ख़ास मकामात हैं, ख़ास जगहें हैं, ये ज़िंदगी का सलीका है। तो अल्लाह सुबहानहु व तआला ने आपको महरूम नहीं रखा है किसी लज्जत से। तो नफ्स अम्मारा बुनियादी तौर पर लज्जतों की तरफ खींचता है, और नफ्स लवामा है, नफ्स लवामा मलामत करता है कि बस काफ़ी है, इससे ज़्यादा लज्जत हासिल न कीजिए, ये मलामत करता है। जैसे नफ्स के अंदर दो कुव्वतें हैं, एक मलामत करने वाली कुव्वत भी है, इसी तरह हमारे दीन और मज़हब में हुक्म है, और वो एक हुक्म ये है कि बुराइयों को फैलाने वालों पे लान करना भी ज़रूरी होता है, उसी को तबर्रा कहते हैं। तबर्रा कोई और शय नहीं है, अरबी में लफ्ज़ तबर्री है। अपने नफ्स की भी मलामत करो, और जब अपने नफ्स की मलामत में कामयाब हो जाओ तब दूसरे की मलामत करना। ये जेब नहीं देता कि हम तो बुराइयों में खुद मुब्तला हैं, मगर
बुरा कह रहे हैं। ये जेल नहीं देता, ये सब बुनियादी अखलाकियात हैं, ये सब बुनियादी अखलाकियात हैं। और ये सब मजामीन कहाँ से मैं अर्ज कर रहा हूँ? आयतें तो नहीं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, लेकिन ये सब मजामीन आ रहे हैं वहीं से, सूरह हुजरात। सूरह हुजरात में ये सब मजामीन, बाज़ अहकाम बड़ी वजाहत के साथ, सराहत के साथ, डायरेक्ट मेथड में अल्लाह सुबहानहु व तआला ने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के उम्मतियों के लिए दिए हैं। मसलन पहला हुक्म तो ये है कि देखो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आगे कदम ना बढ़ाना। दूसरा हुक्म यह है कि अल्लाह के रसूल की आवाज़ पर अपनी आवाज़ ऊंची न करना। और उसके बाद ये भी यकीन दिलाया कि देखो जो लोग अल्लाह के रसूल के सामने अपनी आवाज़ धीमी रखते हैं, दरअसल वही हैं जिनके दिलों का अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया है, जो सच्चे तक्वा वाले लोग हैं और उनका बड़ा अज्र है अल्लाह के पास। उसके बाद एक वाक़े की तरफ इशारा है, अब वाक़े का मैं बयान अभी नहीं करूँगा। और फिर जो एक बड़ा हुक्म है इसमें, इसमें फ़िक्र उसूल फ़िक्र में तो कई कई दिनों तक, बल्कि कई कई हफ़्तों तक, बल्कि मुझे याद है कि मैं हज़रत आयतुल्लाह अल-उज़्मा शेख हुसैन मज़ाहिरी के दर्स में जाया करता था, तो तकरीबन 3 महीने तक इसी आयत पे उसूल की बहस जारी रही। और वो बहस थी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, देखो अगर इन जाअकुम फासिकुम बिनबअ फतबय्यनु, अगर कोई फासिक कोई ख़बर लेके तुम्हारे पास आए तो पहले उस ख़बर की तहकीक कर लेना। कोई फासिक अगर कोई ख़बर लेके आए, ये नहीं है कि कोई काफिर ख़बर लेके आए, ये नहीं है कि कोई मुशरिक ख़बर लेके आए, ये नहीं है कि कोई अहले किताब ख़बर लेके आए। मुआशरे मुस्लिमीन व मोमिनीन को हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से आयत शुरू हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबअ फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुसबिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। ऐ ईमान लाने वालो, देखो अगर कोई फासिक ख़बर लेके आए तो उस ख़बर की तस्दीक कर लेना, ऐसा ना हो कि अनजाने में तुम किसी कौम पर जुल्म कर बैठो और बाद में निदामत तुम्हारे हिस्से में आए, बाद में शर्मिंदगी का सामना हो। ये बहुत बड़ा हुक्म है जो दिया है, इस पर हम लोग कितना अमल करते हैं। उम्मती की हैसियत से, रसूल पाक की के उम्मती की हैसियत से, एक अहले विलायत की हैसियत से, इसी सूरह हुजरात का मज़मून है कि जब कोई अब इसका कलामी एक पहलू है, मुनाज़राती एक पहलू है कि ये कब आयत नाजिल हुई थी। ये जो हजरात कहते हैं कि सब बराबर, तो पूछिए कि कुरान फासिक किसे कह रहा है? और भला फासिक और मोमिन बराबर हो सकते हैं? फासिक और मुत्तकी बराबर हो सकते हैं? मोमिन और मुजरिम बराबर हो सकते हैं? पूछिएगा मुफस्सरीन से, सच बताओ यह आयत किसके लिए नाज़िल हुई थी? अब मैं नहीं बयान करूँगा, ठीक है, मैं बयान करूँगा तो आप लोग इतने नारे लगाएंगे कि मुझे आगे पढ़ने नहीं देंगे, इसलिए एक सलावात पढ़ दीजिए। ये तो जो एक पैरेलल बनाया गया ना, एक इस्लाम, इस्लाम इलाही, इस्लाम नबवी, इस्लाम कुरानी, इस्लाम हकीकी के पैरेलल एक इस्लाम बनाया गया, इस्लाम सियासी, बस और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, इस्लाम सियासी। उसमें हर स्टेटमेंट जो है
उसका न कुरान से कोई ताल्लुक है, न वही इलाही से ताल्लुक़ है, न कलाम पैगंबर से ताल्लुक़ है, बस सियासी बातें हैं, आम सियासी बातें, हवस परस्ताना सियासत, मुजरिमाना सियासत, जालिमाना सियासत, सितम नराना सियासत। मसलन ये कौल, नबुव्वत और इमामत एक ख़ानदान में एक घराने में जमा नहीं हो सकती। अच्छा, ये क्या कोई आयत है? कोई आयत है? ये हदीस है? ये सुन्नत इलाहिया है? ये न ये सुन्नत इलाहिया है, न ये कुरान की आयत है, न ये हदीस का मज़मून है। फिर इस पर क्यों जोर दिया जाता है कि जनाब नबुव्वत और इमामत, नबुव्वत और खिलाफत एक घर में एक ख़ानदान में जमा नहीं हो सकती? ये कौन सा स्टेटमेंट है? इसकी हकीकत क्या है? कुछ नहीं, चौपाल की सियासत का एक जुमला है। या मसलन ये जो दुनिया की पार्टियां होती हैं ना, इख्तदार की रस्साकशी होती है, तो ये होता है कि हमारी मुखालिफ जमात और पार्टी जो है उसके अच्छे अच्छे आदमी के अच्छे से अच्छे कारनामे को भी हम कहेंगे कुछ भी नहीं किया, मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इनकी फुला पॉलिसी ने मुल्क को इतना नुकसान पहुंचाया, इतना नुकसान पहुंचाया। और हमारी जमात का अगर हम इख्तदार में हैं तो हमारी जमात का मुजरिम से मुजरिम आदमी भी होगा तो हम उसे कहेंगे नहीं नहीं जुर्म साबित नहीं है, जुर्म साबित नहीं है। तो अपने आदमियों को बचाना और दूसरों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना, ये है दुनियावी सियासत। ये सियासत हमें नज़र आती है उस सियासी इस्लाम में कि साहब सब बराबर हैं, हम में से आप किसी को भी बुरा नहीं कह सकते। जिनकी बुराइयां आलम नशरा हैं, जिन्हें कुरान फासिक कह रहा है, जिन्हें कुरान मुनाफिक कह रहा है, तो यही होता है कि जैसे सियासी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो के आगे मुल्क के दस्तूर को भी नज़रअंदाज करती हैं, उसी तरह सियासी इस्लाम ने कुरान को भी नज़रअंदाज कर दिया। ये हुआ, इसे देख लीजिए। लेकिन बहरहाल अब जो पहलू दूसरा है वो ये कि हम में और आप में हर एक के लिए ये दर्ज है कि ठीक है, उन्होंने जो किया किया और जो कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं और जो करेंगे करेंगे। अल्लाह ने इसी कुरान मजीद में अपनी एक पॉलिसी का ऐलान ज़रूर किया है। जो लोग खुश होते हैं कि देखिए ये पॉलिसी जो थी फुला साहब ने बनाई थी और बरसों फिर मिल्लत इस्लामिया इसी पॉलिसी पर रही और क्या कामयाब हुकूमत चलाई। उनको कुरान मजीद की बार बार ये याद दहानी याद रखनी चाहिए, अल्लाह ने ऐलान किया है हम जालिमों की रस्सी ढीलते हैं ताकि वो अपने जुल्म में डूबते चले जाएं। ये जुल्म में डूबने का नाम आपने कामयाबी रखा है? इसका नाम कामयाबी नहीं, इसका नाम कामयाबी नहीं। बहरहाल उनका काम हो जाने, कयामत तक उनके लिए ढील है। अल्लाह ने तो शैतान को कब तक की ढील दी है? यौम वक्त मालूम तक, यौम वक्त मालूम। और ये वक्त मालूम भी बस खुदा ही को मालूम है, हम में से किसे मालूम है? हम में से किसे मालूम है? यौम वक्त मालूम तक की छूट अल्लाह ने शैतान को दी है। तो चूंकि शैतान को छूट दी है तो क्या वो नाज कर सकता है कि देखिए मैं हक पर हूँ, हक पर न होता तो मुझे छूट क्यों मिलती? ये आर्गुमेंट सही है? तो जैसे ये सही नहीं है वैसे वो भी सही नहीं है कि जनाब बनू उमैया के फुला ताहूत बनू उमैया ने एक पॉलिसी बनाई थी, उसके बाद सदियों तक मिल्लत इस्लामिया उसी घर्रे पे चलती रही। शैतान भी चल रहा है अपने घर्रे पर, आप भी चलते रहे, ना आपको कोई फख्र हासिल होगा ना उसे कोई फख्र हासिल होगा। वो भी लईन व मर्दूद है, आप भी मलऊन व मर्दूद है।
ये कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ। दुनियावी एतबार से बहुत अच्छी ठीक ठाक हुकूमत की फुला साहब ने, की होगी हुकूमत, बहुत से और हैं दुनिया में जिन्होंने ठीक ठाक हुकूमत की। फिरौन की हुकूमत क्या खराब थी? क्या खराबी थी उसमें? नमरूद की सल्तनत क्या खराब थी दुनियावी लिहाज से? जिस लिहाज से बागी शाम की हुकूमत थी अच्छी, उसी लिहाज से फिरौन की हुकूमत अच्छी थी, नमरूद की हुकूमत अच्छी थी, न जाने कितनी और हुकूमतें आज दुनिया में मौजूद हैं, कितने फराइना हुकूमत कर रहे हैं, कर रहे हैं, और वो खुश हैं, उनकी पार्टियां खुश हैं कि बहुत अच्छी हुकूमत चल रही है। अपनी बुराइयों पे पर्दा डालना, दूसरे अच्छों को बुरा कहना और बुरों को अच्छा कहना, ये सियासत है, ये सियासत है, ये सियासी इस्लाम में भी आ गई ये बात। तो बहरहाल वो अपने फासिकों को भी आदिल कहते हैं, वो अपने फासिकों को आदिल कहते हैं और फिर खुद को मुसलमान कहते हैं और खुद को अहले कुरान कहते हैं। वैसे खुदा का शुक्र है कि उनमें से अहले कुरान कोई भी नहीं है, अहले कुरान हैं लोग। तो मैं कहीं कह चुका हूँ कि काफिर कुफर ऐसा पेवस्त है कि कुरान का सही तलफ्फुज़ भी नसीब नहीं है। ये अजाब इलाही है। भाई कुछ जाहिल नहीं हो, कुरान कुरान कहे तो समझ में आती है। एक शख्स जो मुद्दई है कि इस वक्त कुरै अर्ज पर इस्लाम जानने वाला उससे बड़ा कोई नहीं है, वो भी अगर कुरान कहे ना तो फिर दिल को तकलीफ होती है। आपका नाम अगर हम बिगाड़ के लें तो कैसा लगेगा, और कुरान का लफ्ज आपकी जबान से अदा नहीं होता है, और आप दानिश्वर हैं, आप इस्लाम शनास हैं, आप कुरान शनास हैं, आप समझते हैं कि इस्लाम क्या है। वाय हो आपकी इस दानिश पर, इस बीनिश पर, और आपकी इस तबलीग फासिकाना पर। बहरहाल ये जुमले तो बेसाख्ता आ जाते हैं। मैं ये सब सोच के थोड़ी आता हूँ कि मेंबर से अर्ज़ करूँगा, मैं तो अपने नफ्स से और आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुरान मजीद ने जो आदाब सिखाए हैं एक उम्मती के, वो आदाब में से एक बड़ा अदब, एक बड़ा हुक्म ये है, एक बड़ी डिसिप्लिन ये है कि जब भी तुम में से कोई ख़बर लेके आए तो देखो फौरन ख़बर पे यकीन ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि उस ख़बर को सुन के तुम कुछ एक्शन ले लो और बाद में तुम्हें शर्मिंदगी और निदामत हो। और दूसरा एक बड़ा हुक्म और है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न इन्न बअज़ज़्ज़न इस्मुन कबीर। देखो देखो ऐसा है कि तुम बहुत ज़्यादा जस्तजू ना किया करो, वला तजस्सुसु वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा। देखो इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न, तुम बहुत ज़्यादा सूए ज़न से, बहुत ज़्यादा बदज़नी से इज्तनाब करो। ये भी इसी सूरे में एक हुक्म है। पहला हुक्म यह है कि हर फासिक व फाजिर हर एक की खबर पर भरोसा ना करो, और दूसरा यह है कि तुम खुद ज़्यादा दिमाग को, अपने ख्याल को छूट न दो कि लोगों के सिलसिले में सूए ज़न रखें। देखिए अगर आप हजरात, हर एक से अर्ज़ कर रहा हूँ, ये चाहते हैं ना कि घर जन्नत बन जाए, आपका घर जन्नत बन जाए, आपका कुनबा ख़ानदान जन्नत बन जाए और जन्नती बन जाए, आपके अंदर मोहब्बत हो, उल्फत हो, उन्स हो, अदब हो, तहजीब हो, लिहाज हो, मुरव्वत हो, अखलाक हो, एक दूसरे के साथ सिले रहम का सिलसिला जारी रहे, आपके चेहरे हशाश बशाश हो, आपके दिल फरहान व मसरूर हो, तो ये याद रखिएगा कि आप एक दूसरे से बदज़नी रखना छोड़ दें। कहा सुनी पर बिल्कुल ध्यान न दें और बदज़नी न रखें। कहा सुनी जो है बाहर के लोग करते हैं, और सुएज़न कौन पैदा करता है? शैतान। यानी अंदर से और बाहर से, दोनों तरफ से अल्लाह ने कहा देखो न बाहर से बुरी बात सुनो न अंदर से उठने वाली कोई आवाज़ पे ध्यान दो। देख रहे हैं तरबियत का अंदाज़, ये कुरानी तरबियत है एक उम्मती के लिए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आप एक हदीस भी सुनाऊं, देखिए क्या किस हद तक मासूम ने तरबियत दी है और चाहे कि आपके घर जन्नत बन जाए, जन्नत नज़ीर, सिर्फ कश्मीर जन्नत नज़ीर नहीं, हर मोमिन का घर जन्नत नज़ीर है और होना चाहिए। क्या फरमाया है, सोच सकते हैं हम लोग तो ज़रा ज़रा सी बात पर आपस में रिश्ते तोड़ लेते हैं, नज़रें मोड़ लेते हैं, अपनी अच्छी खासी भली इंसानी आँख को तोते की आँख से बदल देते हैं। इंसानी आँख की का मतलब है वो आँख जिसमें मुरव्वत हो। इंसान क्या, इंसान उन से बना है। अच्छी खासी भली अपनी इंसानी आँख को तोते से बदल लेते हैं। ऐसा ना करें। हदीस का मजमून देखिएगा, हदीस क्या कहती है, अगर तुमसे सैकड़ों आदमी भी आके कहें कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे खिलाफ ये बात कही है तो तुम्हारे पास तो बहुत से गवाह हैं ना, लेकिन भाई तुम्हारा तुम्हारे पास आके कहे मैंने ये बात नहीं कही तो तुम भाई की बात मान लो। सलावात पढ़ दीजिए मुहम्मद। ये है वो तरबियत जो मासूम नहीं है। लाख आदमी कहें वो आपका भाई ना ये आपके खिलाफ कह रहा था, अब इस लाख आदमी में घर और बाहर के सब मौजूद हैं, आपकी बीवी भी शामिल हो सकती है, आपकी भावज भी शामिल हो सकती है, आपके दूसरे भाई बहन शामिल हो सकते हैं भाई को भाई से जुदा करने के लिए, होता है ना यही सब, मिल मिला के गए भाई साहब, अच्छे खासे थे नमाज ऐशा के बाद, गले मिल रहे थे एक दूसरे से, कमरे में गए, सुबह उठे देखा नजरें बदली हुई हैं, अब रात भर में किसकी वही आ गई, जिब्राइल तो आते नहीं हैं ऐसी बातें लेकर, जिब्राइल अवलन हर एक के पास आते नहीं हैं, और आते भी हैं तो वो अच्छी बातें लेके आते हैं, ऐसी बातें लेके नहीं आते कि एक दूसरे से जुदाई पैदा हो जाए। ये काम कुरान मजीद ने कहा ये शैतान का काम है कि एक दूसरे से बुराई। तो अब बहरहाल किसी ने तो वसवसा किया, जो सुबह उठे तो भाई भाई की नज़रें एक दूसरे से चार नहीं हो रही थी। अब अगर भाई आए सामने ये क्या बात है, आखिर रात में इस कदर मोहब्बत की बातें हो रही थी, इस वक्त मिजाज बरहम क्यों है, तुमने ये बात कही, नहीं मैंने बिल्कुल ये बात नहीं कही। मासूम क्या कहते हैं, किसको मानो, भाई को। अगर वो कह रहा है मैंने ये बात नहीं कही तो इसे मान लो, ये हुक्म खुदा हुक्म रसूल हुक्म मासूम है। ये एक नमूना मैंने अर्ज़ किया आपके सामने, एक मिसाल दी। अगर इस तरह हम जिंदगी बसर करें तो कितने टेंशन्स, कितनी एंजाइटीज, कितनी मुश्किलें, कितनी मुसीबतें, कितनी रंजिशें, कितनी आवेजिशें, कितनी शकर रंजियां दूर हो गए और ज़िंदगी में आप शीर और शकर की तरह हो जाएंगे। ये मासूम का इरशाद है ना कि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने, ये मेरी फरमाइश नहीं है, मासूम का इरशाद है। कुरान में क्या कह रहा है परवरदिगार, ये दो चीज़ें आज सिर्फ दो ही की तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ, ये सूरह हुजुरात के मजामीन है। एक मेयारी मोमिन की ज़िंदगी में जो आदाब होने चाहिए उसमें कि हर फासिक की या हर मुखबिर की खबर पर एतबार ना करें जब तक कि पूरी तहकीक ना करें, और बतौर ख़ास ज़्यादा बदज़नी ना करें। या अय्युहल लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिन अज़्ज़न, बहुत ज़्यादा बदज़नी ना करो, बहुत ज़्यादा ना सोचा करो। खामखा बैठे हुए और बुरे ख्याल आ रहे हैं, फ़लाँ मेरे ख़िलाफ़ ये साजिश कर रहा होगा, फ़लाँ मुझसे हसद रखता है, फ़लाँ मुझसे जलता है, फ़लाँ ये करता है, ये सब शैतानी वसवसे हैं। इससे फ़लाँ का कोई नुकसान नहीं होगा, सबसे पहले तो आपका नुकसान होगा कि इस दौरान में, इस मुद्दत में आप कोई अच्छा क्रिएटिव वर्क कर सकते थे
और वो क्रिएटिव वर्क तो गारत हो गया, जो अच्छा खासा जहन था वो भी ख़राब हो गया, मरीज हो गए। तो ये इस्लाम है, ये कुरान है, कह रहा है ज़्यादा बदजनी आपस में एक दूसरे से न रखा करें, आपस में आपस में आपस में मोमिनीन आपस में एक दूसरे से बदजनी न रखें, मगर जिनके बारे में यकीन से मालूम हो कि ये रसूल ही के दुश्मन थे, उनसे कोई हुस्न ज़न न रखें। सलावत पढ़ दें मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपस में एक दूसरे से रंजिशें न रखें, एक दूसरे से सुए जन न रखें, एक दूसरे के खिलाफ खबरों पर फौरन अमल न करें, रद्द अमल न करें। लेकिन मालूम है जिन्हें कि जो रसूल के वफादार न थे वो हमारे कब वफादार होंगे? जो रसूल के काम ना आए वो हमारे क्या काम आएंगे? इसलिए उनसे हुस्न जन न रखें, अपनों से सुए जन न रखें। ये एक मेयार, ये एक मेयार है। यहाँ भी तवल्ली और तबर्री तजल्ली नजर आएगी। अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा, अल्लाह के रसूल का दामन हाथ में हुआ और अल्लाह की तरफ से मुअय्यन जो आपका हादी और रहबर और वली है उसका दामन हाथ में हो और उसके चाहने वालों से चाहत हो। ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं, ज़ियारत जामिया पढ़ते हैं और ज़ियारतों में ख़ास तौर से कहा गया है कि हम आप तो शर्तें पूरी करेंगे तब होगी ज़ियारत कबूल, वरना शर्तें पूरी नहीं करेंगे तो ज़ियारत कैसे कबूल होगी? मगर गैरत नहीं आती कि इमाम के सामने नऊज़ु बिल्लाह खड़े होके इमाम को ख़िताब करके गलत बयानी करें, ये जानते हुए कि इमाम हमारे दिलों का हाल जानते हैं। लोग कहते हैं कि इतने दिनों से हम ज़ियारत आशूरा पढ़ने हाजत पूरी नहीं हुई। अवलन तो ये है कि क्या पस्तीए ज़ौक है अपनी हाजत तलब करने के लिए। खुदा की कसम मैं रोता हूँ, मुझे कोई कुछ भी कहे मैं गिरिया करता हूँ, मैं रोता हूँ, मेरे दिल का नासूर है ये। अपनी छोटी छोटी दुनियावी हाजतें, घर मकान गाड़ी, छोटी छोटी दुनियावी आयशों आसाइशों के लिए आका हुसैन को पुकार के उनको कैसे बड़े बड़े गम याद दिलाते हो, जो सदमे उन पर पड़े हैं वो याद दिला दिला के तलब क्या करते हैं? अपनी आसाइशें, उनके गम याद दिला के तलब करते हैं अपनी छोटी छोटी आसाइशें। क्या शौक है, किसने तरबियत की है आपकी, क्या शौक है? ज़ियारत पढ़ें तो एक चीज़ बस तलब करें, मौला हमें भी वो बुलंदी शौक अता कर दीजिए, वो शुजाअत, वो बहादुरी, वो सबात कदम कि अब जब भी आप पर या आपके कुनबे पर या आपके फर्जन पर कोई वक्त पड़े तो हम कुर्बान हो जाएं। ज़ियारत आशूरा और ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ने के जज्बे में ये होना चाहिए, नहीं कि मुझे नौकरी चाहिए मौला तो हम ज़ियारत पढ़ लें, 40 दिन तक ज़ियारत आशूरा पढ़ लें। ज़ियारत के मानी है कि मौला मुझे अपने नौकरों में शामिल कीजिए, मौला मुझे अपना लीजिए, मौला मुझे अपनी बज़्म में जगह दीजिए। सलाम करने के ये मानी होते हैं, ज़ियारत करने के ये मानी होते हैं, मौला मैं हाजिर हुआ हूँ, करबला में नहीं था, हाजिर हुआ हूँ, हाजिर हुआ हूँ किस लिए? दुनिया के लिए, मुझे ये चाहिए और खुदा हाफिज़। किस लिए पढ़ते हैं ज़ियारत आशूरा? तमाम लोगों का, ज़्यादातर लोगों का ज़ौक मैंने देखा है
अपनी किसी हाजत को तलब करने के लिए ज्यारत आशूरा पढ़ते हैं। इसीलिए बाज़ उरफा का ये जुमला है, याद दिला दूँ कि ज्यारत आशूरा जो है चूब दारत, ज्यारत आशूरा लगातार पढ़ने में तादीब भी होती है अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह की तरफ से जब तादीब होती है तो काबिल बर्दाश्त नहीं होती, यानी आजमाइश होती है, इम्तिहान होता है, तमाचा लगता है, छड़ी लगती है। ज्यारत आशूरा पढ़ना आसान नहीं है, ज्यारत आशूरा, और वो भी किस ज़ौक के साथ, पस्ती है ज़ौक, पस्ती है तलब, दुनिया हासिल करने के लिए उनका सहारा ले रहे हो जिन्होंने दुनिया आखिरत दोनों को ठोकर मारी है खुदा की खातिर से। कितना बुलंद होना चाहिए था आपका ज़ौक, कितना बुलंद होना चाहिए, कितना बुलंद होना चाहिए, और क्या सूरत हाल है फिल वाक़े। ज़ियारत के मानी याद रखिए कि ज़ियारत यानी मौला हमने आपके बारगाह में हाजिरी दी है, हाजिर हो रहे हैं हम, अब हमें कबूल कर लीजिए और जहां आपका दिल चाहे हमें इस्तेमाल कर लीजिए। अब हमें दुनिया नहीं चाहिए। हुर जब इमाम हुसैन के पास आया था तो क्या जज्बा लेके आया था, जब हुर ने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह रोजे आशूरा, क्या ये जज्बा था कि देखिए हम उधर से आ गए, वो हुकूमत रहे तो उमर साथ लेगा और मुझे जो कुछ इनाम, वाज़े है घर तो गुजरी होगी ये बात। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं, अपनी हाजत बयान करते हैं और कहते हैं हम इतने दिनों से ज़ियारत आशूरा पढ़ रहे हैं, अभी अभी हाजत पूरी नहीं हुई। अरे ज़ियारत आशूरा न भी पढ़ते, सच्ची अगर वो आपकी हाजत होती और एक बार मौला से कह देते तो पूरी हो जाती। आपको मांगना नहीं आता और आपको ये समझना भी नहीं आता कि क्या आपकी ज़रूरत है और क्या नहीं आए। सबसे बड़ी तो मुश्किल ये है, वाकई आपकी क्या हाजत है और क्या हाजत नहीं है, क्या ज़रूरत है और क्या ज़रूरत नहीं है। अल्लाह किसी को यूं ही बड़ा ही नहीं देता। गालिब बहुत बड़ा शायर है, बहुत बड़ा शायर है, शोहरत है उसकी पूरी दुनिया में। मैं आपको बताऊं कि एक एक उसका मारिफत का नुक्ता इस वक्त आपके सामने मुंतकिल कर दूं। हम सब दुआ करते हैं, दुआ हमें सिखाई भी गई है, कुरान में भी हुक्म है, लेकिन ज़रा इस ज़ौक़ इरफानी को देखिएगा। मिसरा सिर्फ मुझे याद आ रहा है इस वक्त, वो कहता है कि मैं दुआ कैसे करूं, इसलिए कि दुआ बिसे अम्रस्तो अम्र बे अदबी, दुआ बिसे अम्रस्तो अम्र बे अदबी। दुआ जब हम करते हैं तो क्या सेगा इस्तेमाल होता है, अम्र का सेगा इस्तेमाल होता है, और कहता है अल्लाह सुबहाना हुआ ताला के मुकाबले में अम्र का सेगा इस्तेमाल करना ही बे अदबी है। यानी क्या कहते हैं, परवरदिगार अता कर, ये अता कर क्या है, अम्र का सेगा है ना, लुगवी एतबार से इल्म सर्फ के लिहाज से अम्र का सेगा है। अब ये अलग उस पर कहा गया है कि यहाँ अम्र का सेगा नहीं है, उसे सेगा दुआ कहते हैं, यहाँ इस्तेला शामिल नहीं है, रू शामिल नहीं है। जब सेगा अम्र को नीचे वाला कोई ऊपर वाले से कहता है तो उसमें अम्र शामिल नहीं होता, उसे इस्तिदआ कहते हैं, इल्तिमास कहते हैं, दुआ कहते हैं, ये सब तफसीरें हैं, मगर लफ्ज़ तो बसूरत अम्र है। वो कहता है मैं दुआ करूं तो कैसे करूं, इसलिए कि दुआ बिसीगा अम्रस्तु अम्र बे अदबी, दुआ तो सीगा अम्र में है और अम्र बे अदबी है, यानी अल्लाह से कहना कि तू ये कर। अब समझ में आई कि किसी को अल्लाह शोहरत क्यों देता है, आज़मत क्यों देता है। गालिब के सामने आओ तो अदब दुआ सीखो और मासूमीन से जाके पूछो, सीखो हम दुआ। अच्छा, इससे बढ़ के आगे कहता है गालिब कि उर्दू का एक शेर है कि असद शिकवा कुफरो दुआ ना से पासी, असद शिकवा कुफरो
दुआ ना से पासी, हुजूम में तमन्ना से नाचार हैं हम। यानी ऐ असद, ये आप लोग जानते होंगे कि गालिब जो हैं असद भी तखल्लुस करते थे, ऐ गालिब ऐ असद, अल्लाह के सामने शिकवा करना तो कुफ्र है। क्यों? अभी मैं इब्तदाई तकरीर में अर्ज़ कर चुका हूँ कि हर ज़रूरत की शय अल्लाह ने पहले खल्क की, हमें बाद में खल्क किया। पैदा होते ही हमें ग़िज़ा की ज़रूरत थी, वो माँ के सीने में फराहम हो गई। हर ज़रूरत की शय पहले बनाई, हमें बाद में बनाया, तो कहीं किसी शिकवे की गुंजाइश है? नहीं है। और फिर भी अगर हम सब कुछ हासिल होने के बावजूद भी कहें ये हमें और चाहिए, तो ये एक तरह की नाशुक्री है। तो ना कुफ्र रवा है ना नाशुक्री रवा है, और फिर भी इंसान के दिल में हुजूम होता है तमन्नाओं का, तो इस हुजूम का क्या करें? ये शायराना सतह पर बेहतरीन तर्जुमानी की है इंसान की कैफियत की। और यहाँ पर दर्द कर सकता है इंसान कि खालिक की अजमतों में से अजमत का एक पहलू कम से कम गालिब की निगाह में रोशन था, और इसलिए अल्लाह ने उसको ये शोहरत और अजमत बख्शी। सिर्फ काफिया पैमाई उसका हुनर थोड़ी था, सिर्फ रदीफ काफिया बांधना उसका हुनर थोड़ी था, सिर्फ जबान का इस्तेमाल उसका हुनर थोड़ी था। बहरहाल ये तो दरमियान में बात आ गई, इत्तेफाक से आ गई। कल मैंने शुआरा पे तनकीद की थी, तो आज कम से कम दो शायरों की तो मैंने तमजीद कर दी, और दोनों वो शायर जो आपस में एक दूसरे के हरीफ समझे जाते थे, ये एक अजब इत्तेफाक है कि आज ही ज़ौक का भी तस्करा हो गया और गालिब का भी तस्करा हो गया। लेकिन बहरहाल बात अपने मरकज़ पे रहे, बात अपने मरकज़ पे रहे। बात है तरबियत की, बात है तरबियत की। आप कोई शेर पढ़ना चाहते हैं? माशाअल्लाह अल्लाह आपकी उम्र में इजाफा फरमाए। क्या हर महल, ये बात ज़रूर है, बर महल बर जस्ता और मुख्तसर अशार ये मजलिसों में पढ़ते हैं, बिल्कुल मुंतखब। बाहर गुफ्तगू को, दामन गुफ्तगू को समेट दूँ, ये बात तरबियत की हो रही थी और वो पहुँची यहाँ तक कि हम जब ज़्यारतें पढ़ते हैं तो अदब ज़्यारत क्या होना चाहिए, तलब हमारी कैसी होनी चाहिए। आका हुसैन के पास जाओ तो खुदा से कम कोई शय न मांगना। आपने उसी स्पिरिट में लिया जो मैं अर्ज करना चाहता था। खुदा नजर नहीं आता ना, खुदा नजर नहीं आता, खुदा की आवाज़ सुनाई नहीं देती, खुदा को लुत्फ नजर नहीं आता, खुदा की मोहब्बत का एहसास नहीं है, खुदा आपसे जो इश्क मोहब्बत करता है उसका इदराक नहीं है, खुदा आपकी परवरिश के लिए जो जो अहतमाम करता है उसका इदराक नहीं है। तो नहीं है तो जब आका हुसैन की बारगाह में जाएं तो कुछ और न मांगे, कहें हुसैन हमें खुदा चाहिए। और देखना फिर कोई फलसफा ज़रूरी नहीं है, कोई मंतिक, कोई इल्म कलाम, कोई रियाजत नहीं। इस फ़कीर के ये दो मिसरे याद रखना, और वो मिसरे ये हैं कि न मदरसे
न मसाजिद, न फलसफा, न कलाम। न मदरसे, न मसाजिद, न फलसफा, न कलाम, सबूत हक के लिए बस हुसैन काफी। मुझे बुला के यहाँ आप छुप गया कोई, वो मेहमान हूँ जिसे मेज़बान नहीं मिलता, ये शिकवा पैदा हो तो आका हुसैन की ज़्यारत पढ़ो, आका हुसैन दिखा देंगे कि खुदा क्या है। खुदा की आवाज़ नहीं सुनाई देती तो आका हुसैन का सर नोके नैसा पे बोल के दिखाएगा। अल्लाह की मारिफत लेनी हो तो हुसैन के दर पे। बस आज की गुफ्तगू यहीं रोक देता हूँ। मैंने अभी एक है तो फजीलत की बात, लेकिन अब जाहिर है कि मैं रस्मी अंदाज से कोई चीज़ नहीं पढ़ता हूँ, तो ये भी अपने अंदाज से गोया गैर रस्मी अंदाज से पढ़ रहा हूँ। ये बात मैंने अर्ज़ की थी कि अल्लाह ने ये ज़मीन बनाई है कदमों के नीचे कि इससे ज़्यादा पस्त ना होना, तो इससे ज़्यादा नीचे ना गिरना, और आसमान की कोई हद नहीं, जितना चाहे बुलंद हो। ये तुम्हारे ऊपर उठने के लिए। अब ऊपर उठने के मनाजिर, एक मैंने कहा ना कि रसूल भी भेजा तो मेराज, साहेब मेराज, और रसूल कहाँ तक गए थे ये तो कोई बता ही नहीं सकता। वो पैमाइश कुरान भी नहीं बता रहा है तो कोई और क्या बताएगा। कुरान भी बस काबा कौसैन औ अदना कह के खामोश हो गया, इससे आगे कोई पैमाइश नहीं बताई। तो इंसान क्या बता सकता है कि कितनी बुलंदियों तक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरी बुलंदी, दूसरी बुलंदी अगर देखनी हो तो फिर सहन हरम में आ जाओ। सहन हरम मक्का, खाने काबा की दीवार के करीब देखो कि रसूल बैठे हैं और रसूल के शाने पे कोई खड़ा है। जहाँ मोहर नबूवत थी वहाँ किसी के कदम हैं, और रसूल पूछ रहे हैं कि अली क्या महसूस कर रहे हो। कहा मैं अपने को इतना बुलंद महसूस कर रहा हूँ कि चाहूँ तो आसमान से तारे तोड़ लूँ। देखा कितना बुलंद हो सकता है इंसान, लेकिन ये तभी बुलंद हो सकता है जब मुस्तफ़ा का उम्मती हो, जब अली मुर्तज़ा का अहले विलायत हो। बुलंदियाँ तुम्हारे कदम चूमेंगी, पस्तियाँ तुम्हारे करीब नहीं आएंगी, बशर्ते कि कुरान दस्तूर हो, मुस्तफ़ा और अहले बैत मुस्तफ़ा तुम्हारे सामने नमूने अमल हो। हाँ, रोना इस बात का है जिन्हें अल्लाह ने बुलंदियाँ दी थी, जो साहिब मेराज की पुश्त पर मेराज पाने वाला हो। यानी ज़रा ये जुमला सुन लेना। अब ज़ाहिर ये तासुरात हैं, लेकिन सब के सब हदीस से माखूज हैं। नमाज की हालत में कौन है? वो जो साहिब मेराज है। ख़ुद नमाज को उसने क्या कहा है? नमाज को कहा है अस्सलातु मेराजुन लिकुल्ले तकी। नमाज ख़ुद मेराज है हर मुत्तकी की। साहिब मेराज ख़ुद जब नमाज में हो तो वो नमाज कितनी बुलंद होगी, और उस नमाज में जो साहिब मेराज की पुश्त पर हो वो कितना होगा, और जिसे अल्लाह और अल्लाह का रसूल वो बुलंदी अता करता हो, उसके जिस्म मुबारक को दुनिया वालों ने घोड़ों की टांगों से बांधा।
और उसके सर को उठाया तो नोके नैजा में उठाया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज चार सफर है। पहली सफर को आका हुसैन का लूटा हुआ काफिला असीर बना के शाम लाया गया। पहली सफर को शाम में लाके बाजार से गुजारा गया। और उन वाकयात में से एक वाकया ये है कि जनाब सैयद सज्जाद की नज़र पड़ी रसूल पाक के एक सहाबी पर, जिस सहाबी का नाम सहल साहली है। और उसने भी देखा कि इमाम ने देखा कि उनकी आंखों में आंसू हैं। और ये सहल साहली वो थे जो मस्जिद अक्सा, वो मस्जिद जहाँ से रसूल को मेराज हुई थी, उस मस्जिद की ज्यारत करके आए थे। और ये मंज़र अपनी आंखों से देख के आए थे कि बैतुल मुकद्दस में जो पत्थर उठाते थे उसके नीचे से ताज़ा लहू जोश रहा था। हैरत ज़दा थे, मुतफक्किर थे, महमूम थे, मगमूम थे, दिल पर बड़ा बोझ था। बारे इलाहा ये क्या है कि जब भी कोई पत्थर उठाया जाता है तो जमीन से ताज़ा लहू जोश मारता। परवरदगार कौन सी कयामत आ गई है, ये आने वाली है। आए ये वहाँ से आ रहे थे और जब दमिश्क में दाखिल हुए तो देखा कि वहाँ बाजार सजाए गए हैं और इस तरह जैसे सजाए गए हैं जैसे कोई ईद का दिन हो और लाया जा रहा है कुछ असीरों को। शाम वालों से पूछा कि आज तुम्हारे लिए कोई ईद का दिन है? लोगों ने कहा तुम अजनबी मालूम होते हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि अमीर पर खलीफे वक्त पर किसी ने खुरूज किया था, उसे शिकस्त हुई और उसके कुनबे को असीर करके लाया जा रहा है। सहले साहिदी की जस्तजू और बढ़ी और किसी और से पूछा, एक अहल मिल गया, देखा कि सब तो शादाओं फरहा हैं, सबके चेहरे पर शादमानी के असरात हैं, लेकिन एक शख्स है उसका चेहरा उतरा हुआ है, रुखसार पर आंसुओं का निशान है, आंखें उदास हैं। एक मरतबा उसके करीब गए, भाई बताओगे आज हुआ क्या है? उसने देखा कहा, सहाबी पैगंबर को सहल, कहाँ मैं सहल हूँ, कहा कयामत हो गई, रसूल का नवासा दबा हो गया, रसूल के नवासे का कटा हुआ सर नोके लाया जा रहा है। हुसैन इब्ने अली, हुसैन का सर नोके नैजा पे, हुसैन के अहले हरम को कैद करके लाया जा रहा है। सहल आगे बढ़े, सर मुबारक को देखा, यकीनन सहल ने कहा होगा, सलामु अलैका या अब्न रसूलिल्लाह, फर्जंद रसूल आप पर सलाम। फिर आगे बढ़े, देखा एक नाके पर एक लाहर जवान है जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में भेड़ियां हैं, कमर में लंगर है, गले में खारदार तौक है, पेशानी पे सजदे का निशान है। दुनिया वालों ने तो असीर बन रखा है मगर अल्लाह की तरफ से ये इमाम है कि एक नूर का आला है जो उसके अपने हल्के में लिए हुए हैं। करीब गए, पहचानने की कोशिश की, इधर इमाम सज्जाद ने कहा, सहले साहिली मेरे नाना के साहबी, मेरे करीब आओ, मेरी एक हाजत है पूरी करोगे? इमाम कायनात का हाजत रवा होता है मगर ये हिकमतें मसलहतें मशीयतें होती हैं। इमाम कह रहे हैं, सहल मेरी हाजत पूरी करोगे? फरजंदे रसूल बताएं क्या हाजत है? कहा कि ऐसा करो, ये जो नोके नैजा पे शुहदा के सर लिए हुए हैं इनको राजी कर लो, सरों को लेके ज़रा आगे बढ़ जाएं ताकि तमाशाइयों का हुजूम सरों को देखे, ज़ैनब के खुले हुए सर को न देखे।
اجركم على الله اجركم على الله اجركم على الله روایتیں جب آپ جب مختلف کتابوں سے جمع کریں گے تو ایک تسلسل ملے گا. یہ سہل ساعدی گئے, نیزہ برداروں کو اپنے پاس سے کچھ رقم بھی دی, کہا سروں کو لے کے آگے بڑھ جاؤ, ذرا سروں کو لے کے آگے بڑھ جاؤ. وہ کچھ آگے بڑھیں گے, پھر آئے سہل ساعدی اور امام نے پھر کہا کہ دیکھو یہ دختر زہرا, یہ رسول زادی تم سے اور فرمائش کرتی ہے, ذرا ان دشمنوں سے کہو ارے دربار یزید میں جانے سے پہلے کچھ چادریں فراہم کر دیں, اس لیے کہ دربار میں مختلف ملکوں کے سفیر ہوں گے, دربار بھرا ہوا ہوگا, ہم رسول زادیاں اس طرح کھلے سر جائیں گے. کہتے ہیں کہ سہل نے پھر اپنے پاس سے کچھ رقم دی, کچھ چادروں کا بندوبست کیا, سیلانیوں کو چادریں دی مگر بس ایک لمحے کے لیے, ادھر چادریں دی, سیلانیاں چاہتی تھی کہ سروں کو ڈھانپیں, پھر نیزہ بردار آگے بڑھے اور نیزوں کی نوک سے چادریں دوبارہ شام کے بازار میں چھن گئیں. زینب اب بھی سر پر رہنا ہے, ام کلثوم سر پر رہنا ہے, رباب و لیلہ سر پر رہنا ہے, فاطمہ بنت الحسین اور سکینہ بنت الحسین سر پر رہنا. انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمارے سینوں میں چراغ توحید فروزہ رکھ. پروردگار ہمارے ہاتھوں میں دامان ختم نبوت رہے. پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت علی پر گامزن رہیں. پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. میرے محبوب ہمارے جوانوں میں, ہمارے بزرگوں میں بزرگواریاں, جوانوں میں جوان مردیاں عطا فرما. پروردگار معبود برکات اسلام و قرآن کو, برکات و فیوزات محمد و آل محمد کو, برکات تہذیب عذاب کو تمام عالم انسانیت کے لیے سبیل کر دے. پروردگار معبود اپنے ہمارے درمیان جو علماء اعلام ہیں, جو مجتہدین کرام ہیں, جو فقہاء عظام ہیں, جو مرجعیات رشیدہ ہیں, ان کی حفاظت فرما. پروردگار ولی فقی مقام معظم رہبری کو اپنی حفظ امان میں رکھا. پروردگار معبود اپنے ولی آخر, ولی حقیقی, وارث مصطفیٰ, وارث حسین کو اذن ظہور عطا فرما, اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و راحت و عدالت کا پرچم لے رہا ہوں. اللہ کی صحت و سلامتی اور علماء حقان کی سلامتی کے لیے آواز بلند صلوات.